सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज दिनांक 27/3/2024 दिन देखा जाए तो किसान भाइयों बुधवार, बाजार में देखा जाए तो बाजार की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। यूं मान चलो जो अच्छे सौदे हैं वो कुछ अच्छे भी बिके हैं, बाकी यार बाजार की कंडीशन निकाली जाए तो बाजार की स्थिति बहुत ही ज्यादा दुखदायी देखी जा सकती है। यूं मान चलो बहुत ज्यादा स्थिति बाजार की खराब है हर सौदों में देखा जाए तो। गिलकी, भिंडी, लौकी, बैगन और माल इतना है लबालब बाजार में कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। किसान भाइयों बहुत ज्यादा माल की आवक बढ़ी है। किसान भाइयों हर सौदों में माल की आवक बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। आज बाजार में देखा जाए तो सभी सौदों में यूं मान के चलो कि 4 से 5 रुपए किलो तक की भी गिरावट देखी जा सकती है और कुछ कुछ सौदों में तो 25 से 30 रुपए तक भी आज बाजार में गिरावट देखी जा सकती है। यूं मान के चलो बाजार एक तरह से पूरी तरह फेल हो चुका है। किसान भैया बात करें किसान भैया आज टमाटर में तो ऊपर में ऊपर हाइब्रिड टमाटर की बात करें तो यूं मान के चलो 400 से 450 तक के रेंज में VIP माल बिके और बाकी नीचे में एवरेज बाजार देखे तो 300 से 350 तक के रेंज में अच्छे टमाटरों का बाजार बना है और 400 से 450 तक के रेंज में अच्छा लाड बिका है, एक नंबर सुपर VIP वाला माल। इसी में देसी की बात करें तो 350 तक के रेंज में अच्छे टमाटरों का बाजार खुला है, सुपर माल के एक नंबर क्वालिटी वाला माल हो तो 350 से 370-360 रुपए तक के रेंज में सुपर क्वालिटी वाला माल बिका है, एक नंबर सुपर VIP माल। हल्का पतला माल नीचे में 30 रुपए कैरेट से ला के ऊपर में 60-70 रुपए कैरेट तक के रेंज में भी छर्री के बाजार बने और एक नंबर सुपर क्वालिटी वाले माल के 350 से 400 के रेंज में भी अच्छे माल बिके हैं। भाई यूँ मान के चलो टमाटर में भी कल से देखा है तो 100 रुपए कैरेट तक के बाजार में गिरावट देखी जा सकती है। किसान भी जो अच्छा माल सुपर माल है उसके अच्छे बाजार है, हल्के पतले माल के बाजार नीचे में यूं मान के चलो 50 रुपए गेट से लाके ऊपर में 450 रुपए तक की रेंज में टमाटरों का बाजार चला है। बात करें इसमें किसान भाई एक नंबर सुपर माल की अगर देखा जाए तो हैदराबाद वाली मिर्ची की तो यूं मान के चलो जो कल तक 45 से 50 रुपए का बाजार बने थे आज इसके बाजार देखे तो 30 रुपए किलो से लाके ऊपर में यूं मान के चलो किसान भाइयों 35 रुपए किलो तक की रेंज में हैदराबाद वाली मिर्ची के बाजार बने जो किसान भाइयों बोरियों में आते। शिमला के बाजार देखे तो किसान भाई नासिक वाली शिमला के 60 से 65 रुपए रेंज में सुपर शिमला के बाजार खोले किसान भाइयों, एक नंबर अच्छी क्वालिटी वाला माल के। इसी में हरदा वाले जो हल्के पतले माल है वो यूं मान के चलो 30 रुपए किलो से लाके ऊपर में 35 रुपए किलो तक में मीडियम हरदा वाले शिमला के बाजार बने हैं। इससे मैं बात करें सन भैया G4 मिर्ची की तो G4 मिर्ची में यूं मान के चलो एक नंबर क्वालिटी वाला माल हो तो बाजार में 70 से ला के ऊपर में 75 रुपए किलो तक के रेंज में अच्छी मिर्ची के बाजार बने हैं सुपर माल के। इसी में देखा जाए थोड़ा मीडियम मोटे माल की बात करें तो उसके बाजार की बात करें तो 55 से 60 रुपए के रेंज मीडियम मोटे माल के बाजार बने किसान भैया। और देखा जाए तो हल्के पतले माल नीचे में यूं मान के चलो 50 से 55 रुपए किलो तक रेंज में हल्के पतले दो नंबर माल के हल्के पतले दागी माल बिके हैं। पीली पिकाडोर के बाजार देखें तो एक नंबर VIP माल 45 रुपए किलो से आके 50 रुपए तक रेंज में अच्छे माल बिके हैं। हल्की पतली पिकाडोर की बात करें तो उसके बाजार यूं मान के चलो 25 से 30 रुपए तक रेंज में हल्की पतली पिकाडोर के बाजार बने हैं। इसमें पीले पासे की मिर्ची का बाजार देखें तो एक नंबर VIP माल हो, बारीक पीला पासा हो तो 55 से 60 रुपए तक रेंज में अच्छी पीले पासे की मिर्ची के बाजार बने। हल्के पतले माल की बात करें तो नीचे में यूं मान के चलो 40 से 45 रुपए तक रेंज में हल्के पतले मिर्ची के बाजार बने और सुपर माल हो तो 55 से 60 रुपए किलो तक की रेंज में अच्छी मिर्ची के बाजार बने महाराष्ट्र वाले माल के भी और जिसमें देखा जाए तो हरदा वाला माल के बाजार बने। किसान भैया बात करें किसान भी अदरक की तो अदरक में क्वालिटी वाला माल हो तो यूं मान लो ऊपर में 1-2 लाट ऐसे हैं जो बाजार में 100 से 105 रुपए तक रेंज में सुपर माल बिका, एक नंबर क्वालिटी वाला पंज वाला माल। बाकी हल्के पतले माल के देखा जाए तो ईमान लो 50 रुपए से लाके 60 रुपए के रेंज में हल्के पतले माल बिके। बीट के बाजार देखा जाए तो अच्छा माल हो तो 8 से 10 रुपए के रेंज में सुपर माल बिका, हल्का पतला दो नंबर माल हो तो 5-6 रुपए के रेंज में हल्के पतले माल के बाजार बने। लौकी की बात करें किसान भैया सुपर माल हो तो 4-5 रुपए के रेंज में सुपर लौकी बिकी है, बाकी बाजार की कंडीशन देखा जाए तो यूं मान के चलो 30 रुपए पन्नी से लाके ऊपर में 50 रुपए पन्नी तक के रेंज में ज्यादा बाजार चले, यूं मान के चलो कि आज लौकी का बाजार उधड़े ही चला हुआ है। हरी खीरा की बात करें अच्छी हरी खीरा हो तो 10 से 12 तक रेंज में सुपर माल बिका है, हल्का पतला माल नीचे में 50-60 रुपए पन्नी के तक की रेंज में हल्के पतले माल के बाजार बने हैं। गवार के बाजार देखा जाए तो किसान भैया लोकल गवार जो आती है एक नंबर सुपर रेशम गवार हो तो 35 से 40 रुपए तक के रेंज में सुपर रेशम गवार के बाजार खुले। इसी में हल्का पतला दाने वाली गवार देखे तो 25 से 30 रुपए के रेंज में हल्के पतले गवार के बाजार खुले हुए। किसान भैया गिलकी का बाजार देखे तो अच्छी गिलकी यार यूं मान के चलो कि 15 रुपए किलो से लाके ऊपर में 20 रुपए किलो तक के रेंज में सुपर गिलकी का बाजार खोले, अच्छे माल के VIP टॉप क्वालिटी वाले माल के। हल्के पतले माल नीचे में देखा जाए तो 8 रुपए से लाके 6-7 रुपए के रेंज में हल्के पतले माल के बाजार बने हैं। व्हाइट खीरा की बात करें तो अच्छी खीरा हो तो 10 से 12 रुपए तक के रेंज में अच्छी खीरा बिकी है, हल्की पतली खीरा नीचे में 8 रुपए से लाके ऊपर में 6-7 रुपए के रेंज में हल्के पतली खीरा के बाजार बने हैं। किसान भाइयों बात करें किसान भाई इसमें एक नंबर सुपर माल हो चौले की तो चौले में अच्छी क्वालिटी वाला माल हो तो बाजार में आज 15-16 रुपए के रेंज में अच्छे चौले के बाजार बने सुपर माल के।
और हल्के पतले माल के बाजार देखे तो 50 रुपए अपने जिला के ऊपर में 5-6 रुपए के रेंज में हल्के पतले माल के बाजार बने। तो देखो कद्दू के बाजार देखा जाए तो अच्छे कद्दू के बाजार यूं मान के चलो 12-13 तक के रेंज में अच्छे कद्दू के बाजार बने, साफ सुथरे और सुपर माल के और बोल्डर माल के। बाकी हल्का पतला छोटा दाना इसमें मीडियम दाना हो तो उसके बाजार यूं मान के चलो 6-7 रुपए के रेंज में हल्के पतले कद्दू के बाजार बने। भिंडी के हर बाजार देखे तो यूं मान के चलो जो कली माल है सुपर माल है 3 इंची माल है उसके बाजार 18-20 रुपए तक के रेंज में बने हैं। और यूं मान के चलो बाजार की एवरेज निकाले तो 10 रुपए किलो से लाके ऊपर में अच्छी भिंडी का बाजार 15 रुपए किलो तक के रेंज में अच्छी भिंडी के बाजार बने हैं। यूँ और दो नंबर भिंडी देखे तो 30 रुपए पन्नी से लाके ऊपर में 50-60 रुपए पन्नी के रेंज में दो नंबर भिंडी बिकी है बाजार में। नींबू के बाजार देखिए तो अच्छे नींबू हो तो 60 रुपए किलो से लाके ऊपर में 70 रुपए तक के रेंज में अच्छे नींबू के बाजार बने, सुपर माल हो एक नंबर क्वालिटी वाला पीला माल हो। बाकी कच्चे पक्के माल के बाजार 40 रुपए किलो से लाके ऊपर में 60 रुपए किलो तक के रेंज में कच्चे पक्के माल के बाजार बने। सुपर तुरई के बाजार देखें तो 20 रुपए किलो से लाके ऊपर में अच्छी तुरई के बाजार यूँ देखो तो 25 रुपए किलो तक के रेंज में अच्छी तुरई के बाजार बने। दो नंबर तुरई हल्की तुरई के बाजार 30 रुपए से लाके 50-60 रुपए के रेंज में बाजार खुले हैं। चाइनीज कोलावरी की बात करो व्हाइट वाली कोलावरी की तो 12-13 के रेंज में अच्छी कोलावरी के बाजार बने हैं किसान भाइयों, अच्छे साफ सुथरे सुपर माल की क्वालिटी वाले माल के, इसी में हल्के पतले माल नीचे में 8-10 रुपए तक के रेंज में भी बाजार बने हैं किसान भाइयों। कैरी की बात करें तो किसान भाई यूँ मान के चलो जो अच्छी कैरी है लोकल कैरी है, और लोकल कैरियों की बात करें तो अच्छी कैरी के बाजार यूँ मान के चलो 45 रुपए किलो से लाके ऊपर में 50 रुपए किलो के रेंज में सुपर लोकल कैरियों के बाजार बने हैं, जिसमें लोकल क्वालिटी वाला माल और बिल्कुल व्हाइट कार्ड वाला माल 45-50 रुपए के रेंज में अच्छी कैरी के बाजार बने सुपर माल के। बाकी इसी में हल्का पतला मीडियम माल यूँ मान के चलो 35-40 रुपए के रेंज में भी हल्के पतले माल के बाजार बने हैं। इसमें देखा जाए तो मद्रास वाली कैरी के तो यूँ मान के चलो इसमें अच्छा माल 22-25 रुपए तक के रेंज में अच्छे माल के बाजार बने, और कुछ लाट ऐसे हैं जो बाजार में ऊपर में 28 रुपए तक भी बिका है। और इसी में हल्का पतला दो नंबर माल की बात करें तो 12 रुपए से लाके ऊपर में 15-16 तक के रेंज में हल्के पतले दो नंबर कैरी के बाजार बने, और अच्छा माल 22-25-26 रुपए के रेंज में सुपर माल बिके। पत्ता गोभी के बाजार देखें तो 10 रुपए किलो से लाके ऊपर में 12-13 तक के रेंज में अच्छे पत्ता गोभी के बाजार हो रहे हैं किसान भाई सुपर माल के और साफ सुथरे वाले माल के। इसमें बात करें किसान भाई सूजना फली की तो किसान भाई क्वालिटी वाला माल हो तो बाजार में आज यूँ मान के चलो मद्रास महाराष्ट्र वाले माल के बाजार की बात करें तो 32 रुपए किलो से लाके ऊपर में 35 रुपए किलो तक के रेंज में अच्छे सुरजना फली के बाजार बने, एक नंबर सुपर माल के। बाकी गुजरात वाले हल्के पतले माल 20 रुपए किलो से लाके ऊपर में 22-23 रुपए तक के रेंज में हल्के पतले माल के बाजार बने किसान भाई। कटल के बाजार की बात करें तो 28-30 रुपए तक के रेंज में अच्छे कटल के बाजार बने सुपर माल के। इसी में देखा जाए तो तर ककड़ी का बाजार, तर ककड़ी किसान भैया स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, अच्छा माल हो तो 5-6 रुपए के रेंज में रात को माल बिक गया है, और सुबह देखा जाए तो बाजार की ये स्थिति है कि 30 रुपए पन्नी से ला के ऊपर में 50-60 रुपए पन्नी के रेंज में तर ककड़ी के बाजार बने। यूँ मान के चलो कि उधड़े के बाजार हो चुके हैं तर ककड़ी के किसान भैया। गाजर के बाजार देखे अच्छी क्वालिटी वाला माल हो तो ऊपर में 8 रुपए के रेंज में अच्छे गाजर के बाजार बने। इसी में लोकल गाजर की भी बात करें तो उसके बाजार भी यूँ मान के चलो अच्छी क्वालिटी वाला माल 7-8 रुपए के रेंज में लोकल गाजर के भी बाजार हुए किसान भैया, जिसमें क्वालिटी वाला माल हो अच्छा और सुपर माल हो। भरते बैगन की बात करें तो अच्छी क्वालिटी वाला माल हो सुपर माल हो तो यूँ मान चलो 10-12 रुपए के रेंज में सुपर माल बिका है, हल्का पतला माल नीचे में 50-60 रुपए पन्नी के बाजार हो रहे किसान भैया। बैगनों में यूँ देखा जाए तो सभी प्रकार के बैगनों में यही स्थिति है, जो क्वालिटी वाला माल है वही इज्जत से बिक रहा है कि हल्के पतले माल 30-50 रुपए पन्नी के बाजार बने हैं। अच्छा धनिया के यार बाजार में बात करें तो यूँ मान चलो 10 रुपए किलो से लाके ऊपर में VIP माल 15 रुपए के रेंज में अच्छा माल बिका है सुपर क्वालिटी वाला माल की। और देखा जाए तो बटले की आज बाजार में आवक तो नहीं थी किसान भैया, बाकी यूँ मान चलो अच्छा बटला हो तो ऊपर में ऊपर VIP क्वालिटी वाला माल यूँ मान चलो 60 रुपए किलो से लाके ऊपर में 70 रुपए किलो तक के रेंज में अच्छे बटले का आज बाजार हुआ है। बाकी आवक बाजार में बटले की नहीं के बराबर थी किसान भैया, अच्छे बटले बाजार 60-70 रुपए के रेंज में, हल्का पतला माल नीचे में 25-30 रुपए तक के रेंज में। टेंसी का बाजार देखा जाए तो टेंसी किसान भैया भरपूर आवक के बाजार में, इतना माल है हल्का पतला माल 50-60 रुपए पन्ने से लाके VIP माल की पोजीशन ऊपर में 30 रुपए तक के रेंज में VIP टेंसी का बाजार है, जो कैरेट वाला माल आता है और एक नंबर क्वालिटी वाला माल आता है किसान भैया। दो नंबर मीडियम माल 5-6 रुपए तक के रेंज में। बात करें किसान भाई हरे चने की तो हरे चने में अच्छा चना हो तो 18-20 रुपए के रेंज में सुपर चने के बाजार बन रहे अच्छे क्वालिटी वाले माल के। इसी में हल्के पतले माल 15-16 तक के रेंज में किसान भाई हरे। और इसी में हरी खीरा की बात करें तो क्वालिटी वाली हरी खीरा हो तो यूँ मान चलो 10-12 तक के रेंज में अच्छी हरी खीरा के बाजार बने सुपर माल के। दो नंबर खीरा के कोई बाजार नहीं किसान भैया, 4 रुपए किलो से लाके ऊपर में 5-6 रुपए तक के रेंज में हरी खीरा के दो नंबर खीरा के बाजार बने हैं। करेले के बाजार देखे तो किसान भी एक नंबर स्टार हो तो 30 रुपए तक के रेंज में सुपर स्टार के बाजार बने, और इसी में हल्का पतला माल हो तो नीचे में 18-20 रुपए तक के रेंज में हल्के पतला माल के बाजार बने, और क्वालिटी वाला माल हो तो ऊपर में यूँ मान चलो सुपर माल के 30 रुपए के रेंज में बाजार बने, और लंबे करेले भी 22-25 रुपए तक के रेंज में अच्छे करेले के बाजार बने, एक नंबर वो भी सुपर माल के।
जी हाइब्रिड चावलों की बात करें तो किसान भाई देसी चावलों में क्वालिटी वाला माल हो तो जिसमें सुपर माल है वो 28 से 30 रुपए की रेंज में बिका है। इसमें हल्का पतला मीडियम माल हो तो 22 से 25 रुपए की रेंज में हल्के पतला माल के बाजार बने। बालोर के बाजार की बात करें तो काली बालोर की 28 से 30 रुपए की रेंज में काली बालोर के बाजार खुले हैं। आवक बाजार में किसान भाई काली बालोर की कम है, बहुत ज्यादा कम है, इसलिए अच्छे माल के बाजार 28 से 30 रुपए की रेंज में सुपर माल के बाजार खुले हैं। केले की बात करें तो अच्छा माल हो सुपर माल हो तो ये मान लो 8 से 10 रुपए की रेंज में सुपर माल बिका, हल्का पतला नीचे में 5-6 रुपए की रेंज में हल्का पतला माल के बाजार बने किसानों। बीन्स की बात करें किसान भी अच्छा माल हो तो ये मान चलो बाजार में अच्छे माल के बाजार 25 से 30 रुपए की रेंज में सुपर बीन्स के बाजार है, अच्छे बारीक और सुपर माल के। हल्का पतला मीडियम माल 15 से 20 रुपए की रेंज में। फूल गोभी के बाजार देखें तो अच्छे फूल गोभी के बाजार लोकल में मान चलो 220 रुपए पल्ली तक रेंज में अच्छे फूल गोभी के बाजार बने सुपर माल के। हल्का पतला मीडियम माल नीचे में 80 रुपए पल्ली ला के 120 रुपए पल्ली तक रेंज में हल्के पतले माल के बाजार बने हैं और सुपर माल 220 रुपए पल्ली तक रेंज में सुपर अच्छे फूल गोभी के बाजार बने किसान भाइयों। रेतालू की बात करें तो अच्छा माल हो तो यूं मान चलो लोकल रेतालू 15-16 तक रेंज में अच्छा रेतालू बिका, इसी में सफेद रेतालू की बात करें तो वो 10 से 12 तक रेंज में बिका किसान भाइयों। किसान भाई वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक तो जरूर करें किसान भाइयों, और सब्सक्राइब नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें किसान भाइयों। बाकी यूं देखा जाए तो किसान भाई बाजार की स्थिति आज बहुत ही ज़्यादा खराब है, यूँ मान के चलो आधे ज़्यादा मंडी माल बैलेंस भी बहुत है और कई माल तो ऐसा है जो उधड़ा ही रात से बिकना चालू हो चुके किसान भाई। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद किसान भाई।